सलाम साथियों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। अभी अभी बिहार से एक बड़ी खबर आ रही है। गृह विभाग का एक लेटर जारी हुआ है जिसमें ये साफ साफ बता दिया गया है कि अब बिहार में जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं उसे तत्काल प्रभाव से बंद किया जा रहा है। पहले ही 4 तारीख को एक नोटिस आई थी जिसमें ये साफ साफ कहा गया था कि जो 8वीं क्लास तक के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्कूल्स बंद होंगे, और उसके बाद जितने भी स्टूडेंट होंगे 9वीं क्लास से लेकर के अपर लेवल तक उनके लिए 50% अटेंडेंस के साथ स्कूल खोले गए थे। लेकिन अभी अभी जो जानकारी आ रही है हमारे पास, जो लेटर आया है उसमें ये साफ कर दिया गया है कि अब जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं, जितने भी विद्यालय महाविद्यालय हैं, कोचिंग संस्थान हैं, उसे बंद कर दिया गया है। और जो टीचर्स होंगे उसे 50% उनकी उपस्थिति बताई गई है कि उन्हें हाजिर होना है स्कूल्स में। लेकिन जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं उसे बंद किया गया है। कोरोना का तीसरा जो लहर है वो कहीं ना कहीं अब बिहार में भी बहुत ही भयानक रूप से प्रवेश कर चुका है। आप लेटर देख सकते हैं किस तरह से इसमें साफ साफ लिख दिया गया है कि 50% उपस्थिति के साथ खोले जा सकेंगे एवं ऑनलाइन शिक्षण कार्य संचालित किए जा सकेंगे, ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगे, टीचर्स जो होंगे वो 50% के साथ आ सकते हैं। ये लेटर देख रहे हैं आप, जो अभी भी नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं आमिर सुबहानी साहब, उनका ये सिग्नेचर के साथ ये लेटर जारी किया गया है। और एक खबर जो आ रही है वो ये कि 10वीं और जो 12वीं के जो स्टूडेंट्स हैं उनके एग्जामिनेशंस नहीं होने के पूरे चांसेस हैं, और हो सकता बगैर एग्जामिनेशंस के उनके रिज़ल्ट जारी किए जाएंगे। और ये तय कर दिया गया है कि अब जो भी एग्ज़ामिनेशंस होने थे वो कैंसिल हो जाएंगे। और इसी तरह से अब बिहार में कोरोना की महामारी पूरी तरीके से फैल चुकी है। आप सबसे ये अपील है हिंदुस्तानी मीडिया टीम की कि कम से कम अपना ख्याल रखिए, मास्क पहनिए और अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए। हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आपको हम हर एक तमाम अपडेट आपके सामने रख सकें। देखते रहिए हिंदुस्तानी मीडिया।